हालांकि नई लीक से पता चला है कि सैमसंग यहां अपने फोन में अपने सेंसर के इस्तेमाल करने का नहीं सोच रहा है। आइस यूनिवर्स के नए ट्वीट के अनुसार सैमसंग अपने अगले जनरेशन के फ्लैगशिप स्मार्टफोन में 200 मेगापिक्सल के सेंसर का इस्तेमाल नहीं करेगा, जो सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा हो सकता है। कंपनी ऐसा क्यों करेगी, फिलहाल इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ऐसे में इस तरह से Xiaomi पहला ऐसा स्मार्टफोन ब्रांड बन जाएगा जो अपने स्मार्टफोन में 200 मेगापिक्सल के सेंसर का इस्तेमाल करेगा। सैमसंग के ऐसा न करने के पीछे एक कारण ये भी हो सकता है कि सैमसंग शायद फोन में इससे भी ज्यादा मेगापिक्सल दे। लेकिन फिलहाल ग्राहकों को जिस खबर ने हिला कर रख दिया है वो है Xiaomi का 200 मेगापिक्सल वाला फोन। बता दें कि इस मामले में Xiaomi ने अब तक कोई ऑफिशियल बयान नहीं दिया है, लेकिन आने वाले कुछ समय में कंपनी सभी को चौंका सकती है। लीक्स की अगर बात करें तो डिजिटल चैट स्टेशन के अनुसार स्मार्टफोन मेकर अब एक नए स्मार्टफोन पर काम कर रहा है जिसका नाम Mi 12 हो सकता है। कंपनी इसमें स्नैपड्रैगन SM8450 सोक देगी, तो वहीं ये फोन 200 मेगापिक्सल सेंसर के साथ आ सकता है। चिपसेट का नाम स्नैपड्रैगन 895 हो सकता है। हालांकि अब तक चिपमेकर ने ऐसा कोई भी ऐलान नहीं किया है।